कार्तिक मास की पूर्णिमा जो अब आने वाली है उसका व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, इसके अलावा भी समस्त जानकारियां जो कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और जो नए व्यूअर चैनल पे हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान पूजा पाठ और दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, साथ ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें इस दिन जरूर करना चाहिए और कुछ कार्य इस दिन वर्जित होते हैं जिन्हें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कार्तिक मास जो है वह हिंदू धर्म का बहुत अधिक महत्वपूर्ण माह माना जाता है। इसी मास में करवा चौथ, दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, यह सभी पर्व इसी मास में आते हैं। वहीं कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवी देवता धरती लोक पर आए थे, इसीलिए इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है। इस पवित्र और शुभ दिन पर लोग नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और दीपदान करते हैं। वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को पड़ रही है, लेकिन इसका व्रत 26 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इसका मैं कारण भी आपको बता दूं, पूर्णिमा तिथि पर चंद्र पूजा का विशेष महत्व होता है, यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। अब वर्ष 2023 में जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है वह 26 नवंबर 2023 को दिन में 3:56 पर हो रही है और इसकी समाप्ति 27 नवंबर 2023 को 2:47 पर यानी कि दिन के 2:47 पर होने जा रही। तो 27 तारीख को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा न होने के कारण इसका व्रत 26 नवंबर 2023 को ही रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो 3:56 पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप चंद्र दर्शन कर चंद्र की पूजा कर सकते हैं और इस व्रत को तोड़ सकते हैं। इस दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस दिन का चंद्रोदय है वह शाम के 4:19 पर रहने वाला है। तो आप संध्या होते ही चंद्र दर्शन कर चंद्र की पूजा कर व्रत को तोड़ सकते हैं। अब मैं आपको शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करना शुभ माना गया है और किन कार्यों को करना वर्जित माना गया है इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, इस दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, अगर संभव है किसी पवित्र नदी में स्नान भी जरूर करें, इससे सभी पाप कर्म धुल जाते हैं, रोग दोष दूर होते हैं और 100 राजसूय अश्वमेध यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ भी जरूर देना चाहिए, इससे भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं दान कर्म इस दिन जरूर करें, यह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इस दिन आप अन्न फल तिल चावल आंवला पैसे किसी का भी दान कर सकते हैं, साथ ही इस दिन दीपदान का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी तालाब मंदिर आंगन या खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए। वहीं संध्या काल के समय तुलसी पौधे के समीप घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से कार्य इस दिन वर्जित है। अगर आपके घर पर कोई भी गरीब जरूरतमंद या असहाय आता है और आपसे मदद मांगता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, कुछ न कुछ सहायता उसकी जरूर करें। इस दिन आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है, किसी से भी कटु वचनों का इस दिन प्रयोग ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महिला पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मांसाहार मदिरा लहसुन प्याज आदि तामसिक भोजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो यह कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।